सुप्रभात बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आपके समक्ष हम गणित कक्षा 10 लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दिया गया था और वह है डी बराबर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये दिया गया था। अगर मैं आपसे यह पूछें कि यह डी बराबर जो फार्मूला है किन दो बिंदुओं के बीच की यह दूरी है, क्या बताएंगे आप? प्रश्न मैंने किया आपसे कि डी बराबर यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, तो इन दो बिंदुओं का निर्देशांक बता दीजिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात, शाबाश। यह बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, ठीक है, इसी का फॉर्मूला है। यदि हम एक बिंदु को मूल बिंदु मान लें, क्या मूल बिंदु मान लिया जाए, और दूसरा बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, तो वह सूत्र हो जाता है आपका डी बराबर रूट x² + y² अर्थात मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, x² + y² अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सर x1 y1 को हम मूल बिंदु मान लिए हैं, तो सिर्फ x1 y1 यह 0 हो जाएगा बस, तो यह आपका x2² y2² मान लीजिए होगा। बात एक ही है, बस थोड़ा समझिए आप, यहाँ शून्य मानेंगे तो यहाँ x1² + y1² प्राप्त होगा, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे ही काम करवाते हैं, और आप कितने सकुशल काम करते हैं देख रहा हूं मैं। एक सवाल है बिंदु 4 - 6 बिंदु दिया गया है, 4 - 6 तथा -6, 4 यह दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी बतानी है कितना होगा। बीच की दूरी चलिए निकाल लीजिए, बीच की दूरी का फार्मूला डी बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो तुरंत नोट करिए, x1 y1 है यह, और यह है x2 और यह है y2, क्लियर, ठीक है। अब इसमें देखिए, सब मान को इसमें रख लो आप, डी बराबर रूट x2 का मान रखो बाबू कितना है, -6, माइनस फार्मूला में है, x1 का मान 4 रख लीजिए, ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 कमान बोली, हाँ 4 है, शाबाश। यहाँ से माइनस y1 की वैल्यू बोली बोली बाबू, ए -6, तो माइनस पहले से है और -6 आ गया, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया होल स्क्वायर, ये कितना मिला, डी बराबर रूट 6 और 4 दोनों माइनस है, दोनों का चिन्ह एक ही है, जोड़ देंगे इनको तो 6 और 4 दोनों जुटेंगे कितना होंगे, 10, -10, हाँ ठीक है -10 प्लस यह भी 10 हो गया होल स्क्वायर। ये करेंगे 10 का वर्ग
100 प्राप्त हुआ, और यहाँ से भी 10 कवर कितना मिला, 100 प्राप्त। क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट 200, यानी 200 का वर्गमूल निकाल देना है। 200 का वर्गमूल आप निकालेंगे, निकाल सकते हैं, 10 कड़ी में 2 मात्रक प्राप्त हो गया, 2 मात्रक दूरी प्राप्त। क्लियर? चलिए हम आपको कुछ और काम दे रहे हैं, करेंगे। जैसे बीच की दूरी निकालना है, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है पी कॉस थीटा और माइनस पी साइन थीटा, ये दूसरा पॉइंट। इनके बीच दूरी निकाल देनी है, इनके बीच। चलिए आप काम करिए, तब तक हम इसको साफ कर रहे हैं। जल्दी से काम करिए, बताओ कितना आया। बोलिए बाबू कितना आया। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। फिर देख लेते हैं, ए डी बराबर आप करेंगे वही फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल वर्ग। तो आप कहेंगे परेशानी हो रही है तो नोट कर लो, एक्स वन वाई वन, और यह एक्स टू है वाई टू। अब आप कहोगे कि हम एक्स वन एक्स टू मान लें इसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट होता है, बिंदु का निर्देशांक होता है, पहला वाला यक्स होता है और दूसरा वाला वाई का मान होता है। तो पहले बिंदु है तो इसमें यक्स वन या वाई वन, और दूसरा बिंदु है तो यक्स टू और वाई टू लिख दिया गया इसको, ठीक है ना। चलिए तो आप करिए यक्स टू कहाँ है, यह नहीं, यह है, बड़ी अच्छी बात। यक्स टू करिए, पी कॉस थीटा माइनस एक्स वन पी साइन थीटा का होल स्क्वायर है प्लस वाई टू माइनस पी साइन थीटा और माइनस कितना, हाँ वाई वन की वैल्यू पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अच्छी बात कर लो आप, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, कॉमन ले लिए पी स्क्वायर को, सॉरी पी निकालेंगे जब बाहर ना, यहाँ दो घात लगा है तो यह पी पर भी घात निकलेगा पी स्क्वायर, और यह मिल गया, बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इसमें भी आपका वही काम होगा पी स्क्वायर, बाहर कर लीजिए, या माइनस पी बाहर करेंगे तो यह माइनस पी पर दो घात लग कर आएगा, तो माइनस पी पर दो घात जब करेंगे तो कितना होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, हाँ। तो यह पी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में कितना बच गया, साइन थीटा और प्लस ये माइनस पी चला गया कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब पी स्क्वायर को यहां से और यहां से कॉमन लेंगे बाहर, जब बाहर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ बोलिए, कड़ी से बाहर पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी प्राप्त होगा, ठीक, बड़ी अच्छी बात, पी आ गया। अब चलिए आप यहाँ फार्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस टू ए बी हो गया कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस ए धन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, टू ए बी यह बराबर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। पी रूट में अब आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होती है, एक। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता ही है, और यहाँ पर भी वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनके जगह भी एक हो जाएगा। यह मिला कितना, आगे करेंगे, पी बार है एक और एक जुट गया रूट टू मात्रक, क्लियर। तो इस तरह से आपको जो भी सवाल मिले दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, उनको आप ज्ञात कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ सूत्र लगाइए। आपको हम एक सवाल बड़ी सुंदर दे रहे हैं, आप उसको लगाएंगे। नोट करिए, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए ए वाला पॉइंट का निर्देशांक है 3,1 और एक बी पॉइंट है उसका निर्देशांक है 0,-2 और तीसरा पॉइंट सी है उसका निर्देशांक है 1,1 और पॉइंट डी है इसका निर्देशांक है 4। ये चार बिंदु हो गए चतुर्भुज ए बी सी डी, जिनके ए बी सी डी तथा सी है, इनके निर्देशांक कितना है, क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिखाना है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसको दिखा दीजिए। तो यह आपका दिखा देना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ए का निर्देशांक 3,1 और बी का निर्देशांक 0,-2, सी का निर्देशांक 1,1 और डी का निर्देशांक 4,4। तो समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए। ए बी ज्ञात करने का मतलब ए और बी के बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात बीच की दूरी का मतलब निकालने से होगा कि इस भुजा की आप लंबाई ज्ञात कर लेंगे। जब भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे चारों भुजा की, तो जो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, अर्थात ए बी और यह सी डी आपस में बराबर होंगे, बी सी और ए डी आपस में बराबर होंगे, तो आप कहेंगे कि यह ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वह कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, हाँ बराबर होते हैं, अति सुंदर, वेरी गुड। चलिए बाबू निकाल लो आप ए बी, ए बी निकालेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे। चलिए x2-x1 ठीक है, तो 0-1 यही होगा कि 3, हाँ अति सुंदर, x1 x2 यानी 0-3 प्लस -2 और -1 का होल स्क्वायर कितना मिला, कितना भैया, या 3 का 9 और प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो वह भी 3 होगा, उसका वर्ग करेंगे तो यह भी 9 हो गया, अर्थात कड़ी में 18 प्राप्त हो गया।
ठीक है ना, कड़ी में 18। आप बी सी निकाल लो, बी सी निकालिए। चलिए यह है एक्स वन वाई, अब यह एक्स वन वाई वन काम करेगा, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, अर्थात एक में से जीरो घटा लेंगे होल स्क्वायर, प्लस एक में से दो घटाएंगे तो प्लस दो हो जाएगा। कितना हुआ, एक का वर्ग एक प्लस दो और एक तीन हो जाएगा, उसका वर्ग करेंगे तो नौ, अर्थात कितना मिला कर्णी में 10 प्राप्त हो गया। सी डी देखिए, फिर ये बना एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो चार में से एक निकाल लेंगे, तो चार माइनस एक का वर्ग प्लस यहाँ पर चार माइनस कितना, एक ही का वर्ग है, कितना मिला बाबू, चार में से एक निकालेंगे तीन, उस तीन का वर्ग होगा, वर्ग करेंगे तो तीन त्रिक नौ हो जाएगा, प्लस यहाँ भी उतना ही होगा, चार में से एक तीन का वर्ग करेंगे नौ, अर्थात इनको जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त हो गया। डी ए निकाल लो आप, डी ए देखिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पर क्या मिला डी ए में, 4 माइनस थ्री का वर्ग प्लस 4 माइनस वन का वर्ग कर लेंगे। एक ही बात है, एक्स टू में से घटाओ चाहे एक्स वन में से करिए, एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बताया था मैं क्यों, चार में से एक निकालेंगे हर तीन, एक का वर्ग एक प्लस चार में से एक निकालेंगे तीन का वर्ग नौ हो जाएगा, कितना मिला रूट 10 प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बी सी और डी ए यह बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी यानी ए बी भुजा और सी डी भुजा आपस में बराबर हैं, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो जो आमने सामने की भुजाएं किसी चतुर्भुज की होती हैं बराबर, तो यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। अतः हम सिद्ध कर दिए, दिखा दिए कि ए बी सी डी जो चतुर्भुज है जिनके निर्देशांक क्रमशः इतना है या क्या है, एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के, आप इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं आप करेंगे, लगन से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम फंस रहा है आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पर उस प्रॉब्लम को लिख करके चाहे जैसे भी वह भेजिए, उस आपका उसका आपको उसका सलूशन प्राप्त किया दे दिया जाएगा। धन्यवाद।